हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम बना रहे हैं गणेश जी के लिए भोग। तो कल हमने बनाए थे मिल्क मोदक और आज हम बनाएंगे पोहे से। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो ट्रेडिशनल मोदक होता है वो राइस से बनता है, उड़ीची मोदक जो होता है, बट यहाँ पर हम राइस, फ्लैटन राइस जो होते हैं यानी कि पोहा, उससे मोदक बनाएंगे जो बिल्कुल सेम टेस्ट करेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप पोहा और आधा कप के करीब मैंने यहाँ पर लिया है मिल्क पाउडर, आधा कप के करीब ही मैंने यहाँ लिया है नारियल का बुरादा और आधा कप ही यहाँ पर मैंने ली है शक्कर यानी कि शुगर, जो कि पीस ली है मैंने थोड़ी सी इसमें इलायची के दाने डाल के। और यहाँ पर हमारे 4 से 5 चम्मच ये है देसी घी। तो इस सबको मिलाकर आज हम बनाएंगे मोदक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है जिसे मैंने बिल्कुल ही लो फ्लेम पर रखा है और अब सबसे पहले इसके अंदर हमने जो 1 कप पोहा लिया था उसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसे इसी तरीके से चलाते हुए हम ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि हमारा पोहा एकदम क्रिस्पी और हल्का सा इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो इसे चलाते रहेंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं तो ये लग सकता है। तो इसे चलाते रहेंगे और इसे हम रोस्ट कर लेंगे बिना कुछ घी या कुछ भी एक्स्ट्रा डाले। देखिए यहाँ पर इसको भूनते हुए हमें 6 मिनट हो गए हैं और ये चलाने में भी हल्का सा क्रिस्प लगने लगा है। इसको ऐसे तोड़ के देखेंगे, ये देखिए चूरा हो रहा है, ये क्रिस्प हो गया है। इसको हल्का सा और क्रिस्प करेंगे तो इसे 2 मिनट और हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हल्का हल्का सा धुआं भी उठने लग गया है और ये चलाने में बिल्कुल एकदम लग रहा है क्रिस्प हो गया है। तो यहाँ भी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है और इसको अभी हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। देखिए यहाँ पर पोहा ठंडा हो गया है, अब इसको हम एक मिक्सी जार में ले लेंगे। साथ में इसके हम डालेंगे जो आधा कप हमने नारियल का पाउडर लिया था बुरादा, और साथ में हम डाल देंगे मिल्क पाउडर और जो थोड़ी सी हमने यहाँ पे आपको किसी भी चीनी की वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इन सबको एक अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसका एक अच्छा सा ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है, इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इन सबको बाइंड करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं घी। तो यहाँ पर जो हमने घी लिया था मेल्ट करा हुआ ही घी है मेरे पास में, आप चाहें तो इसे और मेल्ट कर सकते हैं बट इतने से ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। इन सबको घी के साथ में हम कर देंगे बाइंड और इसका एक हम डो टाइप बना लेंगे। आप चाहें तो इस टाइम पे यहाँ पर हल्का सा इसके अंदर दूध भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम रिक्वायर रहेगा उतना ही मिल्क ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं मिल्क ऐड करना। तो अभी मैंने यहाँ पे 3 चम्मच मिल्क ऐड किया है इसके अंदर और उतने से ये हो गया। तो हमने एक इसका डो बना लेना है, दूध ज़्यादा नहीं लगाए, बस 3 चम्मच ही मैंने यहाँ दूध ऐड किया और इसका एक ये डो बन गया। तो इसे हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे जो हमारा पोहा है वो हल्का सा फूल के रेडी हो जाएगा और ये हमारा टाइट डो बन जाएगा। उसके बाद हम इसके मोदक बनाएंगे। यहाँ पर इसको रेस्ट करते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और हमारा डो भी ये देखिए रेडी हो गया है। तो यहाँ पर अभी मैंने मोदक मोल्ड ले लिया है, इसमें हल्का सा हम घी ग्रीस करेंगे ताकि हमारा जो मोदक है वो ईजली बाहर आ जाए। अब इसका एक ऐसा गोला सा बनाएंगे, इसमें रखेंगे और अच्छे से दबाते हुए पूरे मोदक की शेप देके, आप तो चाहें इसके बीच में कुछ फिल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे सिंपल भी इसको बना सकते हैं। ये मोदक मोल्ड को हम खोलेंगे और ये देखिए कितना अच्छा मोदक बनकर रेडी हो गया। तो इस तरीके से हम इसकी बॉल बनाएंगे और इसको मोदक मोल्ड पर रखेंगे, इसे हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये शेप ले ले मोल्ड की।
उसके बाद मोदक को खोलेंगे। ये देखिए मोदक बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम सारे अपने मोदक बना लेंगे।